हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुटफो टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसी एक एप्लीकेशन के बारे में, मतलब आप घर में बैठ के अपने मोबाइल से बैंक बना सकते हैं, यानी अकाउंट बना सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस में। किसी को पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यानी किसी CSP यानी मेन ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको मोबाइल से आप खुद कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं बैंक। तो सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे सर्च लिखना है NSDL। तो मैं इसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो उसमें से आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी चार्ज मार दिया, ठीक है। चार्ज मारने के बाद यहाँ पे देखिए NSDL GFI, ऊपर बहुत सारा ऑप्शन होगा, लेकिन आपको 5 नंबर जो ऑप्शन है उस पर ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों का शायद इंस्टॉल आएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन कीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे अभी डायरेक्ट ये शो हो रहा है, क्योंकि ये मेरे पहले से किया हुआ है। अभी मन करने की बात है कि यहाँ पे आप, अगर आपको आधार कार्ड है तो आप ये खुल सकते हैं, आधार कार्ड नहीं है तो नहीं खुल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड के जो लिंक नंबर है वो आपको एंटर करना है। तो मेरे ये नंबर है तो मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे OTP मांगेगा, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे अभी आ गया, मेरे पहले से लॉगिन था इसलिए ऐसे आ गया। तो ये सिंपल है, आप लोग खुद कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद फिर आपको परमिशन मांगेगा। परमिशन मांगने के बाद, परमिशन देने के बाद सिंपली आपको अकाउंट नंबर, मतलब वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जस्ट आपको आधार कार्ड का नंबर चूज करना है, आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और OTP आपको देना है, ठीक है। तो इतना तक ही था, अगला वीडियो तक इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे ये खुलता है।